फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टू कलर का बहुत ही प्रिटी सा डिजाइन पैटर्न, व्हाइट और मैरून कलर में। तो चलिए डिजाइन पैटर्न हमारा बनाते हैं। ये जो है 8 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 7 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने 23 फंदे लिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना न भूलेगा। तो देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करके हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। आपको फंदे वगैरह बढ़ाने हैं तो इसी रो में आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट रो है, इसको आप इस तरीके से सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रो सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, सेकेंड रो है बैक साइड, इसको भी हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, ये दूसरी सिलाई है और ये उल्टी साइड है, तो इसको हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारी ये टू रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में हम मैरून कलर को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर अपना जो है मैरून कलर इसमें हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ देखिए, हम पहले जो है ये साइड का ऐड स्टिच बुनाई करेंगे, इसके बाद 5 फंदे हम डिजाइन के बुनेंगे। 1 2 3 4, देखिए 5 फंदे हमने डिजाइन के और साइड का ऐड स्टिच लेकर टोटल हमारे 6 फंदे हैं। अब देखिए, 1 फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए 1 फंदा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे। तो यहाँ इसे छोड़ करके ये टोटल 8 फंदे हैं, 8 फंदे हैं। अब इसी को हमें रिपीट करना है। तो देखिए, फिर अगेन हम जो है 5 फंदे सीधा बुनेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5, 1 स्लिप करेंगे, 1 बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे। लास्ट के हमारे ये 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 साइड का ऐड स्टिच है। तो टोटल हमारा साइड का 6 फंदे हो गए। तो देखिए, हमने ये 6 फंदे बुन लिए, ये राइट साइड हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, रो 4 है बैक साइड। तो चलिए देखिए, फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, आप चाहे तो बुन लीजिए। इसके बाद 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे, बैक साइड है ये। देखिए, बैक साइड में भी हमें ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं। धागा आगे लाएंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधे, धागा आगे लाएंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। और देखिए, जो बुना हुआ फंदा है सभी सीधे बुनेंगे, लेकिन जब हमें स्लिप वाला फंदा है ना, स्लिप करना होता है तो धागा को अपने साइड कर करके, देखिए ऐसे अपनी साइड करेंगे और फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। धागा अपनी साइड, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, और साइड का ऐड स्टिच जो है उसे हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए, ये कंप्लीट हो गया रो 4। अब देखिए, रो 5 है राइट साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो 5 है। तो जैसे हमने रो 3 को बुना था ना, सेम आपको ऐसे ही बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके और ये 5 फंदे आपको सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5। अब देखिए, 1 स्लिप करेंगे, 1 बुनेंगे और 1 स्लिप कर लेंगे। अगेन 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड देखिए, हम ये 4 5 फंदे बुन लेंगे, 1 स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, और लास्ट के हमारे 6 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो है रो 5 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, रो 6 बैक साइड। देखिए, रो 6 है बैक साइड है। अब फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और देखिए 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, धागा आगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 1 बुनेंगे, धागा आगे, 1 स्लिप करेंगे, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा,
धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन बुनेंगे, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, फाइव फंदा सीधा बुनेंगे, और वन ये साइड का एड स्टिच है इसको बुन लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये सिक्स रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है बेस कलर को लेंगे और पूरी सिलाई को हमको सीधा बुनना है। देखिए ये बेस कलर है, वाइट कलर हम ले लेते हैं और इससे हम पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई को सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमने ये सेवन्थ रो जो है सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। अब ये एट रो है बैक साइड, इसको भी हम देखिए फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से हम एट रो बैक साइड को इस तरीके से हम सीधा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए एट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमारा नाइन्थ रो है। तो देखिए हमारा ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखिए साइड का एड स्टिच पहले बुन लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो है देखिए थ्री फंदे हैं, तो वन इधर से और वन इधर से, तो ये टोटल हमारे ये फाइव फंदे सीधे बुने जाएंगे और ये थ्री फंदा जो है देखिए जैसे कि वन स्लिप करेंगे, वन बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, ठीक। तो हम पहले ये देखिए यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट होगा, वन बुन लेंगे, वन स्लिप करेंगे, अब देखिए वन बुनेंगे, वन स्लिप कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए फाइव फंदे हमारे सीधे हो गए। अब वन बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे, वन देखिए यहाँ पर वन स्लिप किया, वन बुना, वन स्लिप किया, अब अगेन फाइव फंदा सीधा, वन टू थ्री फोर फाइव, वन स्लिप करेंगे, वन बुनेंगे, वन स्लिप करेंगे और ये टू फंदा हम बुनेंगे। तो देखिए हमारा ये नाइन्थ रो कंप्लीट हो गया। ये टेंथ रो है बैक साइड, टोटल ये 12 सिलाई की डिजाइन है। तो देखिए जो मैरून है उसे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, वाइट स्लिप करेंगे, फिर देखिए मैरून बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, वाइट स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जा करके फाइव फंदा सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, धागा आगे लाएंगे, वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन सीधा बुनेंगे, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे फाइव फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन सीधा, धागा आगे ये साइड का एड स्टिच है इसे उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए केवल फंदे चेंज हुए हैं, आपको सेम इसी तरह बुनाई करना है। देखिए फिर ये 11th रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब देखिए मैरून से जितने फंदे हैं सीधे बुने जाएंगे और वाइट स्लिप करेंगे और इस फंदे को सीधा वन वाइट स्लिप करेंगे, फाइव फंदा देखिए ये सीधा बुना जाएगा। और वन स्लिप करेंगे, फिर देखिए सीधा वाइट स्लिप करेंगे और ये फाइव फंदा सीधा, बहुत ही इजी तरीके से डिजाइन बन जाता है। वाइट स्लिप करेंगे, वन फंदा सीधा, वाइट स्लिप करेंगे, लास्ट के हमारे ये टू फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 11th रो कंप्लीट हो गया। ये 12th रो है और डिजाइन पैटर्न का लास्ट रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके वन फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे फाइव फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, फाइव फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे वन स्लिप करेंगे, धागा पीछे वन फंदा सीधा, धागा आगे वन फंदा उल्टा।
तो फ्रेंड देखिए ये 12th रो में इस तरीके से डिजाइन पैटर्न बनकर आया है। अब यही वंस लेके 12 रो आप रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।